ये बेटा बाहर निकलिए, मैच ऑन हो रहा है। आने वाले वक्त के ये भी स्टार खिलाड़ी हैं, लेकिन अभी बेटा बाहर आ रहे हैं क्योंकि मैच ऑन होने जा रहा है। देखिए, 3 बजने की कगार पर हैं और यहाँ पर कमेंट्री अब ओवर के बाद खाली स्कोर बताया जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओवर के बाद सिर्फ स्कोर बताया जाएगा, 3 बज चुके हैं, इसलिए कमेंट्री थोड़ी सी यहाँ पर बंद करने की। ओवर के बाद खाली स्कोर बोर्ड पर आप नज़र डालेंगे, स्कोर बताया जाएगा। थैंक यू डीजे। अब ऐसा लग रहा है कि कमेंट्री करना जरूरी है क्योंकि मैच इतना घातक जारी है। क्या बात है, खतरनाक बैटिंग आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, दिशा से काफी ज्यादा बाहर गेंद रही, अंपायर का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल, अतिरिक्त रनों में 1 रन और शुमार होता हुआ। वसीम हॉन फिर से एक बार फुल टॉस बनाकर खेलने की कोशिश की, आड़े बैट से खेला है, स्क्वायर लेग रीजन में 1 रन मिलेगा जरूर। स्ट्राइक को रोटेट किया है, रफीक जो कि 40+ के खिलाड़ी हैं इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी की कमान पर। रनों की रन संख्या पर नजर डालते हैं, स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 12 रन। स्कोर कार्ड पर ओमकार पाटिल फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर सामना करने के लिए तैयार है। रफीक इस बार देखिए बड़ा हिट लगाने की कोशिश, गैप में खेला गया स्ट्रोक, 1 रन तेज कदमों के साथ पूरा किया है और 1 रन से संतुष्ट वसीम होंडो स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे हैं। डायमंड ऑफ मुमरा, हमारे अब्दुल्ला भाई एमएम वैली के, हमारे अब्दुल्ला भाई से मैं विनंती करूंगा, अब्दुल्ला भाई मंच की शोभा बढ़ानी है। इस बार देखिए क्या स्ट्रोक खेला है, 1 रन कंप्लीट किया है, 2 रन के लिए निकलेंगे जरूर और 2 रन। एमएम वैली के हमारे अब्दुल्ला भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अब्दुल्ला भाई स्टेज पे आना है आपको प्लीज। क्या बैटिंग है, लाजवाब स्टार्ट अच्छा दिया है और इससे पहले की मैच में भी वसीम ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी लेकिन बंटी की बल्लेबाजी के सामने आउट ऑफ द ऑफ स्टंप कवर्स की क्षेत्र में खेलने की कोशिश थी। विदाउट स्टांस लिए स्ट्रोक कन्वर्ट करना चाह रहे थे। ओवर की समाप्ति, पहली ओवर में लूट लिए हैं 15 रन।
15 रन लूट लिए हैं जरूर एक ओवर की समाप्ति के बाद। बिल्कुल एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर दर्शाता हुआ 15 रन। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे गेंदबाज अपने बॉलिंग ट्रैक पर। कादर अपने बॉलिंग मार्क पर हैं, सामना करने के लिए तैयार होंगे रफीक। इसी बीच अगली गेंद आड़े बैट से खेलने की कोशिश, स्क्वायर लेग में खेला गया स्ट्रोक, एक रन जरूर कंप्लीट किया है, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, सिंगल रन। पुल किया है वन बाउंस आउट ऑफ द पार्क 4 रन।
स्कोर जा पहुंचा है दो ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन बिना कोई विकेट गवाए। अच्छी शुरुआत, नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शुरुआत वसीम होंडो और रफीक के माध्यम से। दो ओवर 27 रन विदाउट लॉस पहले बल्लेबाजी करती हुई इस वक्त टीम अंसारी चैलेंजर्स। पप्पू भाई की तरफ से इकबाल भाई 1,000 रुपए की इनामी राशि आई है। आपने आउट किसे किया है? वसीम होंडो को। बड़ा विकेट, बड़ा विकेट।
यस सर, थर्ड अंपायर बैटिंग पावर प्ले लिया गया है, थर्ड अंपायर प्लीज ध्यान दे। चेक स्कोर 35 रन्स 3 विकेटों के नुकसान के बाद। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार गेंदबाज कादिर, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है लेकिन सेफ लैंडिंग पर स्ट्रोक को कन्वर्ट किया है, गेंद जाएगी आउट ऑफ द पार्क 4 रन के लिए। नेक्स्ट बॉल
एक और बड़ा हिट लगाने की कोशिश, मिस टाइमिंग, सो गेंद हवा में है और ये खूबसूरत कैच, विकेट का हुआ है पतंग। और स्कोर जा पहुंचा है 39 रनों पर 4 विकेटों के नुकसान के बाद। 3 ओवर 5 गेंदे हो चुकी हैं। न्यू बैटर जा रहे हैं मेहताब। मेहताब न्यू बैटर के रूप में आए हैं विकेटों के बीच। कादिर फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर। बिल्कुल नो डाउट कादिर की अगर बात करें तो परफेक्ट ऑलराउंडर का रोल प्ले करते हैं। इससे पहले की मैच में क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था कादिर का, मैन ऑफ द मैच के हकदार जरूर बने थे। नेक्स्ट बॉल, ये अच्छी गेंद थी, बल्ले की जड़ से स्ट्रोक को कन्वर्ट करने की कोशिश की, फुल एंड गेंद थी, बिल्कुल गली रीजन में गेंद को फील्ड किया गया। गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में। 4 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 39 रन्स 4 विकेटों के नुकसान के बाद 4 ओवरों की समाप्ति पर। तो बिल्कुल पहली इनामी राशि 3,33,333 रुपये हमारे पाम रिवेरिया, हमारे जमालुद्दीन भाई, शमीम भाई, पप्पू भाई, इकबाल भाई, उमर भाई, कमर भाई, इरफान भाई, नाइस सिटी ग्रुप, इनकी जानिब से ये प्राइज मनी। और बिल्कुल सेकंड प्राइज 2,22,222 रुपये हमारे फरीद जरीवाला साहब और नूरी ग्रुप की तरफ से। इस बार देखिए रफीक ने बड़ा हिट लगाने की कोशिश की है और ये गेंद आउट ऑफ द पार्क, 6 रन, व्हाट अ हिट। शाहिद की पहली गेंद पर प्रहार, गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क। क्या बात है, 40 प्लस के ये खिलाड़ी है और ओपनर आए थे, अभी भी टिके हुए हैं और रनों को बना रहे हैं। इस 6 के साथ 45 रन्स 4 विकेटों के नुकसान के बाद। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार, डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को कन्वर्ट करने की कोशिश, सिंगल रन कंप्लीट किया है, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। शाहिद गेंदबाजी की कमान पर है, शाहिद के हाथों में गेंद सौंपी गई है और बिल्कुल जिम्मेदारी शाहिद के कांधों पर है लास्ट ओवर की। चलिए थोड़ा सा फास्ट करना है अंपायर। नेक्स्ट बॉल, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, गेंद हवा में है, 2 खिलाड़ी दौड़ते हुए नजर आए कैच के ऊपर, तालमेल लड़खड़ाता हुआ नजर आया था। 2 रन पूरे किए हैं, 3रे रन का डिमांड है और यहां पर देखिए रन आउट के रूप में विकेट का हुआ है पतंग। आउट होने वाले खिलाड़ी मेहताब आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए।
अगली गेंद लेकर तैयार शाहिद, फुल टॉस बनाकर खेलने की कोशिश की थी, डांसिंग डाउन और स्ट्रोक निकले थे, सिंगल रन कंप्लीट किया है, दूसरे रन का डिमांड है और यहां पर देखिए रन आउट के रूप में विकेट का हुआ है पतंग, रफीक की इनिंग हुई है समाप्त। न्यू बैटर सनाउल्ला आए हैं, दो गेंदे अभी भी आना शेष है, स्कोर है 49 रन्स स्कोर कार्ड पर। शाहिद की अगली गेंद, ओहो दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, एक रन कंप्लीट किया है, दूसरे रन के लिए निकले हैं और दो रन, और यस 50 रनों का जादुई आंकड़ा क्रॉस करती हुई इस वक्त अंसारी चैलेंजर्स। रन लॉस ऑफ 6 विकेट लास्ट बॉल, बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश की थी, एक रन तेज गति से पूरा किया है, दूसरे रन का डिमांड है, दूसरे रन के लिए निकले हैं और यहां पर रन आउट के रूप में हुई है विकेट जरूर, यानी पहली पारी यहां पर समाप्त हुई है अंसारी चैलेंजर्स की, रन बने हैं कुल मिलाकर टोटल 52 रन्स, टारगेट रखा गया है 53 रन्स का, तो चलिए 53 रन्स का टारगेट किस तरीके से एक मुमरा चेज करेगी या फिर उन्हें लोहे के चने चबाने होंगे देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
यस महराज बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए स्कोर जा पहुंचा है 3 गेंदों में 10 रन। टारगेट की अगर बात करें तो 53 रन्स का टारगेट, 27 गेंदे बची हैं, 43 रनों की जरूरत। दिशा से काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। अशफाक का बल्लेबाजी की कमान पर है, सनाउल्ला फिर से एक बार अपने बॉलिंग ट्रैक पर। दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, सिंगल रन कंप्लीट किया है, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। डू और डाई का ये मैच है, जो भी टीम जीत हासिल करेगी वो टॉप 8 में शुमार होगी। कल के दिन के मैचेस एग्जैक्टली 12 बजे से ऑन होंगे, ये चीज सभी टीमों को सूचित किया जा रहा है। इस वक्त चलता हुआ मुकाबला अंसारी चैलेंजर्स बनाम 1 मुंब्रा के बीच। नेक्स्ट बॉल ड्राइव करने की कोशिश की है, 1 रन मिला है जरूर, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है और सिचुएशन देखिए, 24 गेंदों में 39 रनों की जरूरत, 39 रनों की दरकार 14 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। यस, बैटिंग पावर प्ले का यहाँ पर डिमांड किया है, बैटिंग पावर प्ले की ओवर यहाँ पर डालने के लिए आ रहे हैं, करने आ रहे हैं जरूर वसीम शेख हंडो। वेरी फास्ट बॉल, डॉट डिलीवरी, हाफ वॉली स्ट्रोक खेला है मिड विकेट जोन में,
दो रन के लिए निकले हैं और यस दो रन दौड़कर पूरे किए। नेक्स्ट बॉल हल्के हाथों से ड्राइव किया है और रन आउट का विकेट मिलता हुआ इस वक्त अंसारी चैलेंजर्स को। और ये विकेट का पतंग, बड़ा विकेट, बड़ा विकेट जरूर मिला है महराज का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए स्क्रीन के पास जो खड़े हैं दर्शक, प्लीज थोड़ा सा इस तरफ आ जाए, ऊपर से ऑडियंस जो देख रही है वो स्कोर स्क्रीन के ऊपर ही देख रही है। स्क्रीन के साइड में आ जाना है प्लीज भाई लोग। साजिद भाई यस वाइट बॉल बिग हिट 6 रन।
18 गेंदें बची हुई हैं, स्कोर देख सकते हैं 24 रन, दो विकेटों के नुकसान के बाद टारगेट है 53 रन्स। यस सर, स्कोर 25 रन्स। चलिए अंपायर स्टार्ट द मैच। अठारह गेंदे 28 रन, 18 गेंदों में 28 रन की जरूरत। थर्ड अंपायर, क्या पैर पे गेंद टकराई है ये चेक करना है, रिव्यू लिया है तीसरे अंपायर के लिए।
Umpire decision, white ball. Start the match, please. चौदह गेंदे और जीत के लिए 16 रनों की जरूरत। तेरह गेंदे 10 रन, बैक टू बैक दो गेंदे 2 सिक्स, बिग हिट पापा के बल्ले से। बारह गेंदे 10 रन, 12 गेंदों में 10 रन की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए।
11 गेंदें बची हुई हैं और 4 रन की जरूरत। चलिए, इस मैच को जीत लिया है पूरी तरीके से एक मुमरा, कॉन्ग्रेचुलेशन। सुपर एट में कॉली करने वाली ये टीम बनी है एक मुमरा। एमएम कंपनी इजाजत लेती हुई कल फिर से फाइनल में जॉइंट होगी एमएम ग्रुप। लॉट्स दिखाना है स्क्रीन के ऊपर, कल के मैच के लॉट्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगा टेक्नीशियन टीम संतोष। लॉर्ड्स देख सकते हैं आप, पहला मुकाबला कल 12 बजे एग्जैक्टली ऑन होगा, 11:30 की रिपोर्टिंग है। इराकी वॉरियर वर्सेस M3 कॉन्क्रीट्स के बीच पहला मुकाबला 12 बजे के वक्त एग्जैक्टली वेरी फर्स्ट बॉल गिरेगा। नेक्स्ट मैच होगा एसके वैली विरुद्ध AB फाइटर्स के बीच, टाइम है 1 बजे का। उसके बाद का मुकाबला होगा बाबा जी किंग्स वर्सेज एक मुमरा। उसके बाद का जो मुकाबला होगा वो होगा आयरन टाइटन वर्सेस अशरफिया 11 के बीच। और
मैन ऑफ द मैच गोज टू इकबाल मुकरी साहब. आइए इकबाल भाई, आपको मैन ऑफ द मैच चुना गया है, तो प्लीज आपको आना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में. इकबाल भाई आना है मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार कलेक्ट करने के लिए प्लीज. इकबाल भाई सरफराज दरबारी साहब आइए. सरफराज भाई आना है, आना प्लीज आना है. तो दोस्तों आज की रात यही समाप्त हुई, कल फिर आपसे मुलाकात होगी यह आशा और उम्मीद के साथ. मैं शहजाद शेख इजाजत लेता हुआ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय क्रिकेट.